वक्त इतनी तेजी से बेटा गुजर रहा है, तुम्हारी शादी सर पे आ जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो फिर क्या करोगे? मेरी बात करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें समझा सकूं। कब तक यूं ही चलता रहेगा? कब संभालोगे अपनी जिम्मेदारियों को? और यूं ही गुजारा दी बस इस बार। आसफर, आपकी चाय। शुक्रिया। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनको चाय पीनी है। पता है तो दो ना। बस शुरू हो गई, तुम दोनों खुद नहीं ले सकती। आप खड़ी क्यों हैं? आप प्लीज बैठ जाएं। वो मैं बैठने के लिए एक अदद चेयर की जरूरत होती है, वो यहाँ है नहीं ना? हाँ तो जाकर बहन के लिए ले आओ ना कुर्सी। मैं लेके आऊं? मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। चाय शाजिया ने अच्छी बनाई है। जाहिर है, आप तारीफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो क्यों ना करे तारीफ, इसकी मंगेतर है वो, और वैसे भी मेरी बेटी बहुत सुगड़ है। मंगेतर बेटा, तुम आ रहे थे तो अम्मी को भी साथ लेते आते, अब कैसी तबीयत है भाभी की? आंटी शायद आप भूल रही हैं, मैं इंटरव्यू देने गया था, वहीं से आ रहा हूँ। ओ हाँ, मैंने पूछा ही नहीं, अब हो जाएगी ना नौकरी तुम्हारी? उम्मीद है पर कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह करे। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए अपनी जगह छोड़ दी है, बैठ जाओ। ये जगह मेरी ही थी, 2 मिनट किचन के चली गई, तुमने कब्जा ही कर लिया। मैंने कोई कब्जा नहीं जमाया, और तुम्हारी जगह तुम्हें मुबारक हो। अम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन बॉक्स कहाँ रखा है? समरा तुम्हें अचानक क्या हो जाता है और कैसे बात कर रही हो बहन से? अम्मी थकावट की वजह से मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, कहाँ रखा हुआ है बॉक्स? काम कोई किया नहीं और थकावट तुम्हें वैसे ही हो गई। अम्मी अब बता रही है, मैं खुद ढूंढ लूं। मेरी अलमारी में पड़ा है। अब आप चाय लेना। हाँ मैं पीता हूँ। मेरा हाथ छोड़ दो, कोई देख लेगा। मुझसे ज्यादा तुम्हें दूसरों के देखने की कब से फिक्र हो गई? इस तरह मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आखिर तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो ऐसा? मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? मैंने क्या किया का? तुम मुझसे नहीं, अपनी मंगेतर से मिलने के लिए आते हो। बिल्कुल पागल हो चुके। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और अंधी भी हो चुकी। अगर मुझ में इतनी बुराइयां हैं तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? और हंस भी रहे हो। तो और क्या करूं मैं? देखा मैंने कैसे वो तुम्हारे लिए चाय लेकर आ रही थी, ये ले अपनी चाय। और तुम? मैं क्या? तुम सिर्फ उससे मिलने के लिए आते हो और मुझे मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ। Look at me. क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तुम्हारी और शाजी के रिश्ते से इरिटेट होती जा रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कब तक लटकी रहूंगी। जहाँ इतना सबर किया है वहाँ थोड़ा और कर लो, मेरी खातिर। इतने अरसे जो सबर किया है वो तुम्हारी खातिर ही तो अब तक मैं। समरा, तुम छत पे क्या कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? वो मैं कपड़े लेने के लिए आई थी। ओह अच्छा। असफर, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आप कभी मेरी कॉल क्यों नहीं उठाते? मेरा भी तो दिल चाहता है कि दूसरी लड़कियों के फियांसे की तरह मेरा फियांसे भी मुझसे बात करे, कुछ मैं उसके बारे में पूछूं, कुछ अपने बारे में बताऊं। आई मीन आप समझ रहे हैं ना मैं कि शाजिया, देखा मिकी कॉल आ रही, मैं मेरे जहन से ही निकल गया था, उनके लिए मुझे मेडिसिन लेनी थी। ओह ऑफ इट्स ओके, सॉरी मुझे जाना होगा। इट्स ओके okay. असफर, आप मुझसे मुझे प्यार तो करते हैं ना?
मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी फीलिंग्स का इजहार कैसे करूँ। मैं तो समरा से भी हमेशा पूछती रहती हूँ कि मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ। मैं असफर, असफर देखिए मेरे रांझना पीर से बुध रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।